पार्टी वार्टी छोड़ के भी लोग आ रहे हैं कुछ। कितना कुछ हो रहा है, सारे जे जे भी तो खत्म ही हो गई। और कांग्रेस ज्वाइन कर गए, कुछ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गए, वो है। और कितना मतलब कितने बजे तक चलता है फिर आपका रात का कैंपेन? देखो भाई नौशाद जी आओ जी आओ जी आओ सवेरे 6:30 बजे से मिलना शुरू करा, 8:15 बजे भाग जाते हैं। अच्छा, गाँव गाँव जाते हैं। रात को 10:30 बजे पहुँचते हैं, 12:00 बजे तक मिलते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर सीट निकाल लोगे तो फिर तो आपका असेंबली में भी ठीक ठाक हो जाएगा सीन? यार असेंबली की आज बात ही नहीं है, आज तो लोकसभा की बात है, मोदी ने बजाने की बात है और क्या। तो ये कांग्रेस का जो मतलब मोदी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है यहाँ पूरे, लोकतंत्र बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। अच्छा, उसकी सिंपैथी मिल रही है जो अरविंद केजरीवाल जी जो अरेस्ट हुए हैं उनकी आप लोगों को, या कमी महसूस कर रही है उनकी? कमी तो पूरी महसूस है, मगर उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनके शरीर को तो गिरफ्तार कर लिया। लाखों का अरविंद केजरीवाल गली गली में घूम रहे हैं, उनको कैसे गिरफ्तार करेंगे? अच्छा ये है बात, फिर भी वो बाहर होते तो कम से कम आपके लिए कैंपेन करने आते। भारतीय कैंपेन उनकी पूरी है और अंदर से भी उनका संदेश पूरा है। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है आने वाले टाइम में आप कुछ बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करोगे, एक दो कोई बड़े नेता सेंटर से आपकी पार्टी? नेता हैं, सुनीता केजरीवाल जी आएंगे, भगवंत मान जी आएंगे, संजय सिंह जी आएंगे, संदीप पाठक आएंगे, महेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, और भी बड़े नेताओं के लिए मांग करके जो कन्फर्मेशन है मैंने आपको बता दी। अच्छा अच्छा, तो लोगों का उत्साह कैसा है जब आप लोगों से मिलते हो? जबरदस्त है, क्या कहते हैं जो कई तो वोट देने वाले वोकल वोट होते हैं काफी, तो नू को है भाई चीन के जबान की और मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। लोग ये बात बोले। और किसान आंदोलन वाला जो मुद्दा था वो रेलेवेंट है चुनाव में अभी? किसान आंदोलन का हो, पहलवान बेटियों का हो, नशा बेचने का हो, बेरोजगारी का हो, इस किसी भी जुलम को हरियाणा की जनता भूली नहीं है, जुलम का जवाब वोट से देगी। अच्छा अच्छा, तो वोट की ताकत का पूरा इस्तेमाल करेंगे अब की बार हरियाणा के लोग? बिल्कुल, हरियाणा में तो बीजेपी की विधायक है, ये नुको है इनकी डबल इंजन की सरकार, इनका नारा 400 पार, इनके हरियाणा में 10 में 6 उधार और उनके भी जूते मारने जनता तैयार। तो आप कहाँ से ये डायलॉग याद करके जाते हो सुबह या फिर फ्लो में? डायलॉग है जनता बोले या जनता बोले या हरियाणा के सबसे ज्यादा क्वालिफाइड उम्मीदवार है। अच्छा अच्छा, ये है बात। पर धीरे धीरे आज से 2 महीने पहले तो ऐसा माहौल था जिसमें लग रहा था कि भाई बीजेपी ऑलमोस्ट 10 की 10 सीट जीत रही है, फिर धीरे धीरे माहौल बना और अब कुछ अलग हो गया चीज़ें। आज से 2 महीने पहले ये माहौल था कि बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत रही है, उनका बड़ा घमंड हो गया। राम नुगा मार को राम ने बसा रखा है और ये नुगा ने राम को बसाया, फर्क है ना? हाँ बात तो ठीक है, ये राम को बचाने की कौन हो सके, राम ने पूरी दुनिया को बजा रखा है, एक मंदिर बना के नुका हमने राम को बजा, अरे मंदिर तो बनने चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी बना लग रहा हूँ 18 मंजिल का मंदिर यहाँ पे। अच्छा, मंदिर तो बनने अच्छी बात है, उन्होंने बनाया उनके लिए उनका बहुत शुक्रिया, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। बाकी घमंड में आके मंदिर में आके नुकाने लगे, राम को इनने बसाया, राम को घर में ले गए, कमाल है यार, हर घर में हर दिल में राम है। ये जो घमंड है ना, राम ने तो रावण का भी नहीं छोड़ा, इनका क्यों छोड़ेगा? तो क्या कहते हैं, राम का कॉपीराइट है हमारे पास? ना ना, नुके लागे हमने राम को बसा दिया, बाहर पड़ा था यार, शर्म करो, क्या भाषा बोलते हो। अच्छा, हिंदू कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, ये बोले जी हमने मंदिर बनवा दिया, भाई हम भी बनाने लग रहे हैं, कम से कम 10 मंदिर तो मैं बना चुका हूँ,
अच्छी बात है मंदिर बनाना, पर आपके सामने वाले भाई साहब जो है वो भी तो आपके बढ़िया भाई हैं, मंदिर मंदिर और ये काम तो उन्होंने भी काफी कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनका भी स्वागत है। और बनाओ पर बनाओ दरंग में काम तो जितने हो जाए अच्छा, कोई करो। पर ये मंदिर के पीछे जो डेवलपमेंट है, रियल डेवलपमेंट, एजुकेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो छिप जाता है कहीं ना कहीं। स्कूल बनाना हमारा काम है, हॉस्पिटल बनाना हमारा काम है, बिजली देना हमारा काम है, पानी देना हमारा काम है, रोजगार देना हमारा काम है, बुजुर्गों की सेवा करना, तीर्थ यात्रा पे घुमाना हमारा काम है, वो सेवा काम हम करते हैं। अच्छा, ये भजन करें करो। साहब जो है सरस्वती ढूंढ रहे थे कुरुक्षेत्र में, वो खट्टर गल तो बेचारे गल बहुत मुंडी होगी। पहले दिन मोदी ने बुलाया, जो स्कूटर पे घुमा करते और भाई बड़ी अच्छी दोस्ती थी और निभाएंगे, गाने भी चल पड़े, ये टूटेगा दम अगर ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कुछ गाने चल पड़े। और अगले दिन बेचारे गल छाए छाए पर फिर भी ऑलमोस्ट क्या कोई भरोसा नहीं, अभी बोला था ना। पर आप ये तो देखो, उनको 10 साल तो मिल गए कम से कम राज करने के। काम कितना था 10 साल में, हरियाणा जितना मुंडा इसने करा कोई भी नहीं करता था। अच्छा, इसके राज में किसानों की वो बेइज्जती करी हुई है आज तक पूरी दुनिया में कितनी हुई। अच्छा। इसके राज में हिंदुस्तान की बहनों की वो बेइज्जती हुई है, चाहे जंतर मंतर पे हुई चाहे कहीं हुई, आज जो कितने भी नहीं हो सकती। हरियाणा में नशा हर घर गांव में पनप गया, भाई भाई को उसने लड़वा दिया, जात पे धर्म पे सब कुछ बांट दिया। अच्छा, ये जनता इसकी जमानत जब्त कराओगी। मैंने तो कुरुक्षेत्र बुलाया था, अड़े लड़ ले तो चला गया वहाँ। अच्छा, तो कुरुक्षेत्र वो तो अपने होम सिटी है उनकी, वहीं से चुनाव लड़ेंगे वो तो। अच्छा भाई देखो, चुनाव तो लड़ना चाहिए, हर पार्टी को लड़ना चाहिए, बाकी इनके जमाने जब तो रही है नहीं। तो आपकी सोशल इंजीनियरिंग क्या रहेगी यहाँ पे? यहाँ देसी आदमी हूँ, जो मिल जाए बैठ के खा लूँ। सोशल इंजीनियरिंग क्या, लोगों का आगा जोड़ना है, सोशल इंजीनियर लोगों की सेवा करना, लोगों का काम करना है, सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ये जाट वोट है या फिर ये दूसरे ऐसे ब्राह्मण हमारा पैदा होते दादा हो जाए जाटा गांव का मैं बनिया हूँ तो। और किसकी बात कर रहे हो, सारा बानिया तो गांव में एक आधा होगा, अगर सब काका जुड़ कर आगे छत्तीस जात का आगे, कोई काका हुआ है उसका, कोई ताऊ हुआ है, कोई भाई हुआ है, कोई भतीजा हुआ है, वो यह है हमारा काम तो। अच्छा, कल एक इंटरव्यू में भी आप कह रहे थे कि गांव बनियों के गांव नहीं होते, होंगे नहीं, ग्राम में एक आधा होगा अगर बानिया तो नूरा अगर, जैसे इतने दांत है ना इनके बीच में एक जीभ है, सबका ख्याल रखते हैं। काफी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आप। हमने नहीं खेलना खुला आंदा यार, हम तो देसी आदमी हैं, जो तो है बस वो आज जोड़ा। अच्छा, लोगों का काम करेंगे। अच्छा अच्छा, लोगों का काम करना काम है। तो राज्यसभा का जैसे कार्यकाल आपका खत्म हुआ, उसके बाद तभी आपको प्रॉमिस हो गया था कि भाई आप चुनाव लड़ोगे स्टेट का? ना तो हम कुछ मांगा करते, टिकट या पद या कुछ, और ना हमारे पार्टी मांगा तो कोई दिया करता। पर सर ये तो गलत बात है ना, एम्बिशन तो होते ही होंगे, बिना एम्बिशन के क्या, ये थोड़ी ना होता कि बिना एम्बिशन के कोई। हाँ। जब तक काम करा छिक का काम करा। हाँ। काम तो ले रही रिटायरमेंट आगे सेवा में, तो राजनीति में सेवा के लिए कर रहे हैं, जो सेवा की भाई ड्यूटी देंगे वो करेंगे, जो कुरुक्षेत्र में ड्यूटी लगा दे कुरुक्षेत्र करेंगे। पूरे हरियाणा के लोग आ रहे होंगे आपके लिए फिर, आपके जो अलग अलग वर्कर हैं यहाँ पे काम पूरे हरियाणा में, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो उनका काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सारी कांग्रेस हमारे लिए कुरुक्षेत्र में हमारा काम कर रही है। रूस तो नहीं रहेगा कांग्रेस वाला है, कांग्रेस वाला रूस तो नहीं रहेगा ना, ना कोई नहीं कदे। अरे बानिया के लोग भी नहीं रूसा करते, तो रूस तो जिंदल के भी नहीं रहे थे, जिंदल छोड़कर बात किया तो उल्टा तो आ गया वो। कित आ गया लड़ने के लिए चुनाव? कौन सी पार्टी माया है? दूसरी माया है तो। इससे लोग नफरत करें उस माया है, जो उसकी उसकी को लचोर के उस माया है।
वो तो ये है भाई, दूध भी खावे रात भी जोड़े, ठीक है, ये मजबूरी हो तो बताओ। ठीक है सर, चलो थैंक यू सो मच।